संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को भले ही सुप्रीम कोर्ट और सेंसर बोर्ड ने हरी झंडी दे दी हो, लेकिन करनी सेना फिल्म को बैन करने पर तुली हुई है। कुरुक्षेत्र में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने कैंसिल मॉल में तोड़फोड़ किया है। 20-25 नकाबपोश बाइक सवारों ने मॉल में घुसकर करीबन आधे घंटे तक उत्पात मचाया। बताया जा रहा है कि युवक सेक्टर 17 के पार्क की तरफ से आए थे। युवकों ने मॉल में स्थित दुकानों के शीशे डंडों से तोड़ दिए। से लक्षर से लड़के 10-12 भाग के आए जी और उन्होंने गेट पे आने के साथ तलवारों का डसिया चढ़ानी शुरू करी। तो मैं कुछ भाई से बोले, भाई सब डंडे ठाले ये बोले उनको नहीं, लेकिन मैं हथियार आ जी तो हमने जाकर अंदर भागे जी। हमने हमारे पूरी लाठियाँ तलवारों से शीशे पे फोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। मूवी 25 तारीख को रिलीज हो रही है और 24 को उसका प्रोमो है, तो शायद अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि उसको लेकर के जो अग्रेशन था उसमें तकरीबन 20 से अधिक संख्या में, 20-22 की संख्या में कुछ लोग अचानक से एकदम आए और 6:48 पे और तोड़ फोड़ करके मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे एंट्री करके बिना कुछ बोले और एकदम से निकल गए हैं। और आगे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्या रहता है, कौन है वो, क्या उनकी आइडेंटिफिकेशन है, क्या उनका मकसद था, इस सभी के बारे में आगे जाँच में ही सामने आए। कुछ बात नहीं हुई, बस ऐसे गंडा से ले के आए हैं और पहले वो शोरूम को तोड़ा है पीपल वालों को, उसके बाद यहाँ फिर अंदर घुसे हैं, इधर इधर मारा है इनके पीपल में और साथ में एक काउंटर है उसको तोड़ फोड़ किया, फायरिंग हुई है। अच्छा। गंडासे हाथ में थे, वो गंडासों से मारा, तोड़ा फोड़ करी है।